by. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? Hello everyone, this is Priyanka. And once again, welcome back to my channel. तो आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से इस दिवाली मैंने ये जो हमारा एक छोटा सा एंट्रेंस या जो फॉयर एरिया है उसको किस तरीके से डेकोरेट करा है। ये वीडियो मैं आपके साथ में काफी अर्ली शेयर कर रही हूँ, अभी भी दिवाली में काफी दिन है, तो अगर अभी तक आपने आपके एंट्रेंस या फिर फॉयर को डेकोरेट नहीं करा है तो आज के इस वीडियो से आप बहुत छोटे छोटे से और ईजी से आइडियाज ले सकते हैं और अपने घर को भी डेकोरेट कर सकते हैं। So without wasting any time, let's get into today's video. So सबसे पहले मैं आप सबके साथ में इस फॉयर का लेआउट शेयर कर रही हूँ जो भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उन सब के लिए। So this is the first wall जिसपे टाइल्स हैं और यहाँ पर एक MCB बॉक्स भी है। इस टाइल वॉल के ऑपोजिट साइड ये वाली वॉल है जिस पर हमने व्हाइट कलर का पेंट करा हुआ है और मोस्टली एवरी ईयर जो भी हमारे डेकोर चेंजेस होते हैं वो हम इसी वॉल पर प्लान कर पाते हैं। तो इस साल हमने प्लान करा है कि हम इस वॉल के सेंटर पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ वॉल पेंट। तो सबसे पहले हमने पेंसिल की हेल्प से एक रेक्टेंगल इस वॉल के ऊपर ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ मास्किंग टेप और इस मास्किंग टेप को मैं जो भी रेक्टेंगल है उसकी बाउंड्रीज पर लगा दूंगी। अब यहाँ से जो भी पुराने डेकोर थे, नेल्स थी, उन सबको मैंने रिमूव कर दिया है और अब हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं POP, जो भी होल्स हैं या जो भी अनफिनिश्ड वॉल है उसको प्रॉपर फिनिशिंग देने के लिए। सो एक बार जब मैंने अच्छे तरीके से POP जहाँ पर भी मुझे लगानी थी वहाँ लगा दिया, उसके बाद में मैं इस वॉल पे चेक कर रही हूँ जहाँ पर भी टचअप की ज़रूरत है वहाँ पर मैं वाइट कलर का रॉयल एशियन पेंट्स का जो पेंट है वो यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ। अब जैसे कि मैंने आप सबके साथ में शेयर करा है कि हम एक रेक्टेंगल बनाने वाले हैं, तो इस रेक्टेंगल के अंदर जो कलर फिल कर रही हूँ वो कुछ डार्क ब्राउन कलर में है और मैंने इसके दो कोट्स अप्लाई करे हैं। फर्स्ट कोट मैंने अप्लाई करा था, उसके बाद में मैंने इस पेंट को कम्प्लीटली ड्राई होने दिया है, उसके बाद में ही मैंने सेकेंड कोट इसके ऊपर अप्लाई करा ताकि जो भी कलर मुझे चाहिए था वो प्रॉपरली इस वॉल के ऊपर आ जाए। तो जब तक पेंट ड्राई हो रहा है मैंने सोचा कि हम फर्नीचर अरेंज करते हैं। तो एक छोटा सा शूरैक है जिसको हमने अभी रिसेंटली बनवाया है और इसके साथ में हमने सेकेंड पार्ट में अलग से एक कंसोल यूनिट बनवाई है जो कि हम इस तरीके से कंबाइन करके रख देते हैं। अभी हमारा पेंट कम्प्लीटली ड्राई हो गया तो हमने इस बार प्लान करा है कि इस रेक्टेंगल के सेंटर पर हम एक पिक्चर लेज लगाएंगे। जितने भी प्रोडक्ट्स आप देख रहे हो उन सबके लिंक्स आई विल ट्राई कि मैं उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सबके लिए मेंशन कर पाऊँ। सो यहाँ पर जो भी पेंट, फर्नीचर ये सब चीज़ें थी वो यहाँ पर हमने अच्छी तरीके से सेट कर दिया है, इसको क्लीन कर दिया है और अब बारी है डेकोरेशन की। तो सबसे पहले इस MCV बॉक्स को हाइड करने के लिए मैं यहाँ पर एक बड़ा सा मिरर हैंग कर रही हूँ ताकि जब भी हमें MCV बॉक्स यूज़ करना हो हम मिरर को आराम से हटा करके MCV बॉक्स को यूज़ कर पाएँ। अब हम चलते हैं इस कंसोल यूनिट की तरफ। तो यहाँ पर डेकोरेशन के लिए मैं कुछ लाइट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स और प्लांटर ऐड कर रही हूँ। इस साइड पे क्योंकि दिवाली है तो इस तरीके के बॉटल्स के अंदर थोड़ा सा डेकोरेशन लगा करके अगर कैंडल्स लगाएंगे तो देखने में और सुंदर लगेगा। मैं ये एक छोटा सा कैंडल होल्डर ले रही हूँ जिसे फ्लिप करा है और इसके ऊपर मैं गणेश जी का एक आइडल रख रही हूँ ताकि उसको हाइट मिल पाए। और साइड में जैसे कि दिवाली है मैंने बोला तो यहाँ पर मैं दो कैंडल होल्डर्स और ऐड कर रही हूँ लेफ्ट एंड राइट साइड पर। एंड वी आर डन, हमारा जो भी डेकोरेशन था इस कंसोल यूनिट के ऊपर के लिए वो कम्प्लीट हो गया। तो अब इस कंसोल यूनिट के राइट साइड पर जहाँ हमारा लिविंग रूम स्टार्ट होता है वहां पर मैं ऐड कर रही हूँ ये एक फ्लोर लैम्प। इसकी वजह से थोड़ी लाइट ऐड होगी और स्पेस और भी ज्यादा स्पेशियस लगेगा। तो ये वाली वॉल तो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम इससे चलते हैं जिस वॉल के ऊपर अभी हमने रिसेंटली पेंट करके पिक्चर लेज लगाया है। तो इस रेक्टेंगल के लेफ्ट एंड राइट साइड पे मैं इस तरीके का वॉल आर्ट लगाऊंगी जो कि मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर मार्केट 99 से परचेज करा था। इसके लिए मुझे बहुत सारी क्वेरीज आती हैं तो ये मैंने मार्केट 99 से लिया है। सो बेसिकली पिक्चर लेज होते हैं जहाँ पर आप बहुत सारे पिक्चर्स एक साथ डिस्प्ले करके रख सकते हैं और आजकल पिक्चर लेयरिंग बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है।
पिक्चर लेयरिंग में आप बेसिकली एक पिक्चर दूसरे पिक्चर के फ्रंट में लेयर करके रखते हैं कुछ इस तरीके से, ताकि वो थोड़ा सा कोहेसिव लगे। ग्रीनरी ऐड करने के लिए मैं एक आर्टिफिशियल प्लांटर यहाँ पर ऐड कर रही हूँ एंड वी आर डन विद दिस वॉल। फ्रंट में ये जो डोर है ये थोड़ा सा खाली खाली लगता है, तो यहाँ पर मैं कलर्स ऐड कर रही हूँ इस पेंटिंग के थ्रू, और ये अभी मैंने होम सेंटर से परचेज करी है। ये वाला जो पार्ट है ये बेसिकली सिटिंग एरिया है, तो एक कुशन ऐड कर रही हूँ ताकि आराम से यहाँ पर कोई शूज पहन सके। अब हम चलते हैं सबसे लास्ट एरिया में, तो यहाँ पर लैम्प के, जहाँ हमने फ्लोर लैम्प रखा है उसके जस्ट ऊपर कमांड हुक्स और थ्रेड की हेल्प से मैं इस तरीके के जो हैंगिंग लैंटर्न्स हैं वो ऐड कर रही हूँ, और इसमें आप आर्टिफिशियल लाइट्स लगा सकते हैं या फिर टी लाइट भी इसके अंदर लगा सकते हैं। रनर ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो डोरमैट भी ऐड कर सकते हैं। बस दिवाली वाले दिन अच्छे तरीके से अपने कैंडल्स, दीपक, ये सब कुछ यहाँ पर जलाइए और अपने फॉयर एरिया को भी डेकोरेट करिए अगर अभी तक आपने कुछ यहाँ पर प्लान नहीं करा है। All for today's video and I really hope कि आपको ये foil का एक जो छोटा सा makeover था वो पसंद आया होगा। If you like this video then you know the drill, please like, share and subscribe to my channel. You can also follow us on Instagram and Facebook for more video related updates. So I'll see you on this coming Saturday. Till then stay home, take care and bye bye.